हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हो तुम? मुझे उम्मीद है कि तुम भी अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मुझे फील कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज की कमी हो रही है। कुछ रिसोर्सेज मैंने जो है कलेक्ट किए हैं, लिए हैं मार्केट से। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये है वो प्रोडक्ट, कैसे खरीदा है, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नहीं है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले, जब ये बहुत जरूरी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ऐसा नहीं कि मैंने फोन लगाया उसमें और फोन गिर गया। दूसरी चीज, एक बटन होना चाहिए उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ। तीसरी चीज जो होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि सेल्फी स्टिक की हाइट अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी, वो है ट्राइपॉड भी बन जाए वो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी सेल्फी स्टिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सेल्फी स्टिक उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। लेट मी शो यू हाउ। तो लेट्स ओपन दिस सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड। वाओ, तो ये है वो सेल्फी स्टिक। और जैसा कि मैंने बताया था, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है इसे देख के कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। इसका वेट अच्छा खासा है, 373 ग्राम लिखा हुआ है इसके बॉक्स में। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने और भी सेल्फी स्टिक चेक किए थे, लेकिन हाँ, जो सेल्फी स्टिक मैंने इससे पहले देखे हैं या देखे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं वेट कम होता है। और वेट कम से कम 250 के करीब, 250 ग्राम या 200 ग्राम इस टाइप से होता है, और बहुत हल्के होते हैं वो। और सबसे जो बुरी बात मुझे उनमें लगती है कि इनका जो मोबाइल होल्डर होता है वो बहुत वीक सा होता है, जिसमें मोबाइल गिरने का डर होता है। तो हम जो वीडियोज़ बनाते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का भी मोबाइल या मेरा मोबाइल खुद का यहाँ से फॉल हो जाए। तो ये है इस सेल्फी स्टिक की पूरी हाइट। आप देख सकते हो मैं 6 फिट का हूँ, और ये कितना लंबा है ये सेल्फी स्टिक। और ये जो इसकी क्वालिटी है ना, ये रॉड की जो क्वालिटी है, ये भी काफ़ी मोटा रॉड है। ये जो टेलीस्कोपिक रॉड है, इसका जो डायामीटर है, ये काफ़ी मोटा है। लेकिन हाँ, इसकी जो पाइप लगी हुई है, ये थिन है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मोबाइल को या फिर एक कैमरे को अच्छे से संभाल सकता है। और दूसरी चीज़, तो ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई, और इसका जो मोबाइल होल्डर है, ये मोबाइल होल्डर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो मोबाइल होल्डर है, ये कुछ इस तरीके से खुलता है, आप देखिए, और ये इस तरीके से क्लैंप करता है। तो होता क्या है, ये जो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, ये जो इतना गैप दिया हुआ है, और ये जो इसकी जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी में अगर आपका मोबाइल का डिस्प्ले कर्व भी है, तो कर्व को प्रेस नहीं करेगा, इस तरीके का डिज़ाइन है ये। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ट्राइपॉड में, इसकी सबसे खास बात आपको बता रहा हूँ, कि यहाँ पे आप कैमरा भी लगा सकते हैं बिना इस मोबाइल होल्डर को निकाले। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस ट्राइपॉड की हाइट भी अच्छी है। अभी मैं 6 फिट का हूँ, और ये ट्राइपॉड कहाँ तक आ रहा है मेरे, आप देख सकते हो। तो अगर ये एक ट्राइपॉड की तरह रखा हुआ है और ये मेरे यहाँ तक आ रहा है, दैट मीन्स मैं एक अच्छा खासा वीडियो शूट कर सकता हूँ जो कि मेरे हाइट को सूट करे। और इसमें क्योंकि ये जो होल्डर है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से घूम जाता है, तो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा इस ट्राइपॉड से वीडियो बनाना। इसकी हाइट करीब करीब 1.58 मीटर है, अगर बॉटम से लेके हाइट तक हम चेक करते हैं, और मैंने पर्सनली भी चेक किया तो 1.55 तक तो आ ही रही है। ये यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, जिसको इसको दबा के अगर प्रेस करके रखते हैं, तो यहाँ पे एक लाइट जलती है, और जब ये लाइट ब्लिंक होने लग जाती है, तो आपके फ़ोन का जो कैमरा होता है, आपके फ़ोन का जो ब्लूटूथ होता है, उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। सेल्फी नाम से कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद फिर ये आपके फ़ोन के साथ बहुत स्मूथली वर्क करने लग जाता है। मतलब आप यहीं से अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हो उस जगह पे। और ये जो मोबाइल होल्डर है, कुछ पोजीशन हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये हो गया लैंडस्केप मोड, उसके बाद ये एक पोजीशन और ये हुई, इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो दूसरा ये पोर्ट्रेट मोड, तीसरा ये, और चौथा फिर से ये लैंडस्केप मोड। मतलब इसकी 4 पोजीशन पे ये लॉक हो जाता है। जब हम इसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे लॉक हो जाता है। लेकिन मैंने और भी ऐसे मोबाइल होल्डर्स यूज़ किए हैं, जिसमें ऐसा लॉकिंग सिस्टम होता भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं होती। मैंने यूज़ किया हुआ है, बट ये मुझे सही लगा, अच्छा लगा। अब दूसरी चीज़ एक और, जब हम GoPro यहाँ लगाते हैं, मान लो अगर हम कोई कैमरा यहाँ लगाते हैं, खासकर GoPro एक्शन कैमरा, और एक्शन कैमरा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे हम पानी के अंदर या हाइट पे या किसी भी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर भी हम इस सेल्फी स्टिक को यूज़ कर सकते हैं, बशर्त है ये ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस बात का, कि ये जो ब्लूटूथ है,
ये जो स्विच है आप इसे इस तरीके से साइड से निकाल लें और इसे कहीं सेफली रख लें, क्योंकि अगर ये लगा रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा और उसके बाद आपका ये जो सेल्फी स्टिक है ये सब कुछ ठीक रहेगा, सिर्फ आप इसे ऑपरेट नहीं कर पाओगे सही तरीके से। और मुझे नहीं लगता कि ये सेकेंडरी आपको कहीं पे मिलने वाला है, वो इसी के साथ पेयर्ड है और ये कहीं पे अलग से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक सेल्फी स्टिक ही लेनी पड़ेगी ट्राइपॉड वाली, तो बेटर है कि इसे संभाल के रखें। इस ट्राइपॉड में कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि इस प्राइस पॉइंट पे मुझे वो कमियां बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ सुधारी जा सकती थी। जैसे कि ये एक प्लास्टिक है, ये पूरा का पूरा एक प्लास्टिक है, इसमें कोई रबड़ ग्रिपिंग नहीं है। रबड़ ग्रिपिंग है भी तो वो है नीचे इस जगह पे है रबड़ ग्रिपिंग, लेकिन जब हमें इसे खोलना होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ हमें इसे खोलना कैसे होता है। नीचे का जो ट्राइपॉड है ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, ये इधर से खुलेगा और ये पूरा का पूरा ऐसे नीचे आएगा और फिर हम इसे ऐसे रख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि गलती से भी अगर किसी ने इस पे पैर रख दिया या गलती से भी अगर आपने थोड़ा इसे रफली यूज़ किया, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करके रखा तो ये ख़राब हो सकता है, ये टूट सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये एक कॉन है, इसे बहुत ध्यान से संभाल के यूज़ करना। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये डिसमेंटल हो जाता है, ये बहुत ख़ास चीज़ भी अच्छी बात है, बट ये एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि ये लॉस्ट भी हो सकता है। उस वजह से ये आपके सेल्फी स्टिक से अलग हो जाता है तो ये लॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन एक इससे अच्छी बात ये है कि अगर ये अलग हो जाता है तो आप इसे पानी में भी यूज़ कर पा रहे हो। बट ये प्रोज भी है और एक तरीके से कॉन्स भी है, इसे ही अगर वाटरप्रूफ बना देते तो ज़्यादा सही रहता। और एक कॉन ये है, क्योंकि ये इतनी हाइट पे खुलता है तो ऑफकोर्स जब कोई चीज़ इतनी हाइट पे खुलती है तो आपके लिए हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हैवी हो जाता है, हैवी फील होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इतनी हाइट तक खुलता है तो थोड़ा सा शेकी इफेक्ट इसमें आ जाता है, इसके जो टेलीस्कोपिक पाइप्स हैं इसमें थोड़ा शेकी इफेक्ट आ जाता है और मजबूती थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा खोलते हैं तो शायद ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो हाइट ज़्यादा है ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन हाइट ज़्यादा है उसकी वजह से थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट का प्राइस बताने वाला हूं, और ये मेरे चेहरे की मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने जब ऑनलाइन देखा था तो मैंने इसे ऑनलाइन में 1200, 1500, 2000 तक भी देखा है इस प्रोडक्ट को। हालांकि कंपनियां चेंज हो जाती हैं, अलग अलग कंपनीज के नाम होते हैं, बट मैंने इसे ऑफलाइन में ख़रीदा है और ऑफलाइन में ये प्रोडक्ट मुझे मिला है 800 का। इट इज़ ओनली 800। मैं ये बार बार कहता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट ऑनलाइन में सस्ता मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो है Q05 मैजिक स्नैपशॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड। ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू, मुझे लगा ये बनाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है इस चीज़ पे, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा है, कई वीडियोस ट्राई किए हैं यूट्यूब पे, बट अफोर्डेबल नहीं लगे वो वीडियोस मुझे मेरे प्राइस पॉइंट पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वीडियो मैंने बनाया है इट इज़ कम्प्लीटली अफोर्डेबल टू दोज ब्लॉगर्स और दोज पीपल ऑल्सो जो कि एक 1000 रुपीज़ के अंदर कोई प्रोडक्ट खरीद के उसको एक क्वालिटी वाइज यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड सपोर्ट, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, प्यारे प्यारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए तो जाना मत। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड शब्बा खैर, बाय बाय।